अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशावान। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसे कैसे रन करना है, कैसे एक्सपेंड करना है। जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो मैं आज मैं आपको एड्रेस करूँगी इन क्वेश्चन को। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद है लुबना भायत साहिबा, जो कि हेड है, प्रेसिडेंट है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर डिवीजन की। तो आइए उनसे बात करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक रमशा, कैसे आप? कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या लाहौर, एक तो सबसे पहले मुझे बताइए कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बेसिकली वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डोमेन क्या है? आप कोई पैकेजेस ऐसे दे रहे हैं या कोई ऐसे फैसिलिटेट कैसी आप वुमेन को कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो बिजनेस क्लास वुमेन है उन्हीं को देख रहे हैं, या इसके अलावा और जो जॉब होल्डर हैं वो भी आपके क्राइटेरिया में फॉल करती हैं? कैसे आप काम कर रही है ये वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर की। ये जी ब्रेन चाइल्ड है डॉक्टर शहला जावेद अकरम का। शी इज़ आवर फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक लेडी। आई थिंक हम सारे जो हैं वी लुक अप टू हर। तो उनका ये था कि शी वाज़ द फर्स्ट एवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबाउट 12-13 ईयर्स अगो। और जब वो प्रेसिडेंट बनी तो उनको रियलाइज़ हुआ कि पहली बार हुआ था कि इतने, क्योंकि बिज़नेस की डोमेन वैसे ही मर्दों की है। और अगर आप आज अभी के भी जो आप स्टैटिस्टिक्स देख लें तो पाकिस्तान 151 के नंबर पे है आउट ऑफ 153 इन द वुमन इंक्लूजन इन बिजनेस इकॉनमी में। तो उसके नज़रिया से देखते हुए तो उन्होंने उस वक्त सोचा कि बहुत मुश्किल है, मतलब जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, वुमेन ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, वहाँ पर उनके लिए जो है ये चैम्बर सूटेबल नहीं था, क्योंकि जाहिर है कि मेल मेजॉरिटी में वैसे भी जो है वो ख़वातीन जो है उस वक़्त भी, आज कम अनकंफर्टेबल हैं तो उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगी। तो उन्होंने जो है इसके लिए स्ट्रगल की, और उनकी स्ट्रगल और हमारी कुछ फाउंडर मेंबर्स की स्ट्रगल की वजह से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में जो है वो पहली बार पाकिस्तान में जो है लॉ पास हुआ कि ख़वातीन भी अपना अलग से चैम्बर बना सकती हैं जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और उनके मेम्बर्स 100 एंटरप्रेन्योर्स जो हैं मेम्बर्स हैं। तो उसको जो है गवर्नमेंट ने रिकगनाइज़ किया, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, और इसके बाद जो है वो एक सफ़र का आगाज़ हुआ। मैं आज यहाँ पर बैठी हुई लाहौर चैम्बर ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की 11वीं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये हमें 11 साल हो चुके हैं, स्ट्रगल बहुत 11 साल से पहले की भी है। तो इसके अलावा जो है ना, सो बेसिकली व्हाट वी डू नेक्स्ट टू योर क्वेश्चन, तो हम लोग जो है एक हमारा मैंडेट है और एक मैनिफेस्टो है कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे जो है वो काम करते हैं। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, लोगों को लगता है कि ये जो है कि जी आज़ादी ख़वातीन को मिल जाए या ख़वातीन जो है वो मादर पदर आज़ाद हो जाए, ये नहीं है हमारा मैनिफेस्टो। हमारा मैनिफेस्टो है कि ख़वातीन को इकोनॉमिकली एम्पावर करो। कोई भी खातून हो, वो किसी की बेटी हो सकती है, वो किसी की बीवी हो सकती है, वो किसी की माँ हो सकती है, वो किसी की बहन हो सकती है। तो उसकी जो वो रोल है उसको हम उस डोमेन में हम नहीं काम करते। हम काम करते हैं कि वो क्या कर सकती हैं, वो अपनी सबसे पहले तो अपनी, क्योंकि हमें लगता है कि जो वुमेन की एम्पावरमेंट है, उनकी जो ताकत है, वो जब उनके वो खुद से पैसा कमाती हैं, जो उनकी अपनी हार्ड अर्न मनी होती है, दैट एम्पावर्स अ वुमन। तो हमें लगता है कि तो हमें जो है हमें हम उस गोल को लेके चलते हैं। मैं पर्सनली अपने से बात स्टार्ट करती हूँ कि अगर मैंने कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगी आपको, क्योंकि मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं है। कोई हेल्पलाइन नंबर है कोई, आप किस तरह से आपको एक्सेस किया जाता है, किस तरह से आपकी मदद ली जा सकती है? रिमशा, हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। हमें आप WCCI को फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें, हमारे नंबर्स हैं, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ वहाँ जो है हम लोग पोस्ट करते हैं। फिर हमारे चैम्बर में आ जाएं, गुलबर्ग हाइट्स पे लाहौर में हमारा ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ बैठी हुई हैं, और हमारा स्टाफ जो है वो बहुत फ्रेंडली स्टाफ है, और आप हमें जो है वो गूगल कर सकती हैं, हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं। और आपको कोई भी किसी भी तबके की जो कोई भी खातून है आपको एक्सेस कर सकती, कोई भी एक्सेस, ये जो है इसमें कोई ऐसे नहीं बैरियर है, नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। एग्जैक्टली, लोग समझते नहीं जी हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा फिर ही हम जाएंगे। देखिए, बात ये है कि
आइडिया जो है, जो हमारे डॉक्टर शैला जावेद अकरम थी, उनका यही आइडिया था कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो प्लेटफॉर्म है, आप LCCI में आपका जी आपका इतना टर्नओवर होएगा तो आप आएंगे, या जो बाकी जो मेन चेम्बर्स हैं उनको होता है कि आपका उनके उनके पास जो है वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मेंबरशिप की जी। लेकिन हमारा वुमेन चेंबर का ये, क्योंकि ख्वातीन का हमें रियलाइजेशन है, गवर्नमेंट को भी रियलाइजेशन है, बाकी सोसाइटी में भी रियलाइजेशन है कि ख्वातीन के लिए खास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो कुछ नहीं काम हो रहा, तो जो कर रहे हैं उनको थोड़ा रिलैक्स कर दो। मैं देखती हूँ कि औरतों में सेल्फ बिलीव नहीं है, वो पाकिस्तान की औरत को ये लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती, और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो जाए तो वो तो बिल्कुल ही डर जाती है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी। अगर आप देखते हैं लोकल मार्केट्स, आप इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको मेल डोमिनेंट सोसाइटी मिलती है, वो कैसे चैलेंजेस का सामना करें, कैसे वो अपने अंदर जो है वो एक जज्बा मोटिवेशन तो है लेकिन एक इनकरेजमेंट कैसे आए उनके अंदर। पहली बात तो आपने कहा कि जो है ना उनका सेल्फ बिलीफ नहीं है और उनको खुद एतमादी की कमी है, इसमें मैं आपके साथ जो है वो एग्री करती हूँ, पार्टली एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं पार्टली इसलिए कहूँगी कि हमारा एकेडमिया के साथ बहुत ज़्यादा रिंग लिंकेजेस है, तो उसमें जो है वो मैंने देखा है कि आजकल की जो हमारी बच्चियां हैं दे आर वेरी एंथुजियास्टिक और वो कुछ करना चाहती हैं अपने लिए। हम इनको कहते हैं मिलेनियल्स हैं जो मतलब उनमें एंटरप्रेन्योर बनने का ज़्यादा जज्बा है, और आप हैरान होंगी कि इतने ज़्यादा जो है वो ख़वातीन काम कर रही हैं और बड़े खामोशी के साथ कर रही हैं। हम समझते हैं कि हम सिर्फ सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, या हम जो है वो कपड़े बना रहे हैं, या डिज़ाइनर हैं, या हम कोई डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, नहीं, नहीं। ख़वातीन हमारी मेंबर्स ऐसे भी हैं जो मीट दुकान चला रही हैं, जो वो उस डोमेन में काम कर रही हैं जहाँ पर मर्द हजरात हैं, बेवरेजेस की डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो FMCG के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वो हो सकता है कि हाँ वो टोटली इंडिपेंडेंट ना हो लेकिन वो अपने खावन के साथ मिलके या अपने भाई या अपने बाप के साथ मिलके, और उनके उनकी 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 शेयर होल्डिंग है बिजनेसेस में, और ऐसी भी हैं जो अपने तौर पर भी जो है वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और उन जगहों पर जा रही हैं, उन एरियाज़ में जा रही हैं जहाँ पर जो है नॉर्मली जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो हमारी ख़वातीन नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि यही बात है कि दिस इज़ एन एनकरेजमेंट के इट्स अ शिफ्ट ऑफ सोसाइटी, तो उस शिफ्ट ऑफ सोसाइटी में वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स लाहौर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। और जैसे मैं आपको एक आपके थोड़ा सा मैं टाइम लूँगी तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमने अभी इस साल जो है वो इनक्यूबेटर शुरू किया है जो कि उन ख़वातीन के लिए है जो कि एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं, जो कि या भी अपने घरों से काम कर रही हैं, जिनके पास इतने फसाइल नहीं हैं कि वो प्रॉपर ऑफिस बनाएँ और प्रॉपर वो जो है वो कि अपना कॉन्फ्रेंस रूम बनाए। आपने भी देखा कि हमारे काफ़ी वह काम चल रहा है, जो सिविल वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इंशाल्लाह जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी वेरी सून तो हम इसको इफ्तिताह करेंगे, हमारा वुमेन इनक्यूबेटर होगा। और आपका अगर कोई ड्रीम है तो आपका सबसे पहले मैं ही होंगी। एग्जैक्टली जी, यू वेरी वेलकम वेलकम रिमशा। तो जो है वो हम चाहेंगे कि आप जो अपना काम करना चाहती है, जो आपकी सोच है, आप उसको अपने आप हमें प्रेजेंटेशन देंगी कि जी ये मैं करना चाहती हूँ, ये मैं यहाँ मैं जाना चाहती हूँ, तो एक ऑफिस की सारी फैसिलिटीज़ आपको होंगी, रिसोर्स सेंटर हमारा होगा जिसमें हम आपको जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। इसमें मैं कहना चाहूँगी हमारा हील इंस्टीट्यूट है जो कि वुमेन को औरतों को जो है वो ई कॉमर्स की ट्रेनिंग करवा रहा है राउंड द क्लॉक, और मतलब व्हेन आई से आई थिंक नॉट द राउंड द क्लॉक एग्जैक्टली बट ऑफिस आवर्स में, और तीन तीन महीने का कोर्स होता है, टेप्टा अप्रूव्ड ट्रेनर्स आते हैं, उनको बकायदा सर्टिफिकेशंस मिलती हैं हाउ टू डू बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, सो ई कॉमर्स की हम उनको कोर्सेज करवाते हैं। इसी तरीके से जो स्मीटा के कोर्सेज हैं या बाकी गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं, जितने भी डेवलपमेंट फंड्स के कोर्सेज हैं जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी करवाते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं आपने कैसे बिजनेस करना है, टैक्सेशन के बारे में बताना है, वो भी हम जो है वो हमारी जो है मेम्बर्स हैं वो चेंबर के थ्रू जो है वहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, चेंबर ख़ुद ट्रेनिंग्स करवाता है। इसके अलावा हमारे एक रेगुलर जो है वो जो है एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम लोग हर साल 10 बिजनेस न्यू बिजनेस आइडियाज़ अपने मेंबर्स को बताते हैं कि नई चीज़,
कि व्हाट इज इन द मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज बताते हैं. मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट जरूरी है किसी भी छोटे से स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? आपको क्या लगता है कि मैं आ रही हूँ और मुझे मेरे पास इतने पैसे होंगे या ये चीज़ें होंगी तो ही मैं स्टार्ट कर सकती हूँ बिजनेस, मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई लिमिट ऐसी है या नहीं? कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ एक आइडिया ही जरूरी है. बिजनेस जो है वो जेंडर ओरिएंटेड नहीं है. एक आप जो है वो कुछ भी आप कर सकती हैं. सपोज आपके पास कोई घर के पुराने कपड़े हैं, कोई फैंसी कपड़े, आप उसको बेचते हैं, उसमें कोई 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 आपका पैसा नहीं लगा हुआ, आप फेसबुक पे बेचते हैं, आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस. एनी ट्रांजेक्शन दैट जनरेट्स मनी इज बिजनेस. तो उसमें जो है उस डोमेन में जब आप आते हैं तो ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल के सोचनी चाहिए कि जी बिज़नेस जो है वो उसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट है. इट डिपेंड्स ऑन योर आइडियाज़. अगर आप कोई दुकान खोलना चाहती हैं आपको पैसे लगेंगे. अगर आपको जो है आप कोई स्टॉल लेना चाहते हैं उसको पैसे लगेंगे. अगर आप छोटे पैमाने पर अपने घर पर करना चाह रही हैं तो उसमें जो भी उसकी एंसिलरी जो है उसके एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो लगेंगे. थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट हो तो बहुत ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं. जी बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं. हम लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे ख़वातीन को जो है वो टाइम दिया है कि बताया है कि कैसे आप जो है ईबे पे पैसे कमा सकते हैं बेच के, कैसे आप जो है वो जी अमेज़ॉन पे आप जो है वो कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली बेच सकते हैं. तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हम लोग तो बेसिकली आइडिया इज़ कि हम एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अपनी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दें. और यही एक विमेन एम्पावरमेंट का तरीका है. जैसे मैंने कहा कि हम लोग उनको हाथ में पैसे नहीं दे सकते लेकिन हम और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं. तो लेकिन ये कहना कि जी आप पैसा पैसे को खींचते, अगर ये बात हो तो फिर कोई मिल बिलियनेयर कभी मिलियनेयर नहीं, और कोई 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 बिजनेस बैंकक्रप्ट ना हो. तो देर इज़ तमाम किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा पड़ा तो चीज़ तो एटीट्यूड है. तो एटीट्यूड एंड द ज़ील टू डू इट. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं. मर्द की निस्बत जो है एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एडिशनल बैरियर्स का सामना करना पड़ता है. जैसा कि आपको भी पता है बाज़ूकात उन्हें ऑनरशिप ही नहीं मिलती, बाज़ूकात उन्हें एक्सेसिबिलिटी टू नहीं है, नेटवर्क के साथ नहीं है. और एक कल्चर जो हमारा सोशल कल्चर एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक मेरे ख्याल में बड़ा फैक्टर है जो कि एक हमारा माइंड सेट है कि लड़की को बिज़नेस करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती. या ये कल्चर इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? ये जो मैंने आपको दो तीन फैक्टर्स बताए हैं इसे इसके बारे में थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा, एजुकेट कीजिएगा लोगों को. हमारा कल्चर ऑफ जो है ना वो एक थॉट प्रोसेस है जिसको चेंज होना चाहिए. इसीलिए हम जो है अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि जो हमारी न्यू मेंबर्स होती हैं जो कि बिज़नेस करना चाहती हैं और वो उनको जो है वो लगता है कि हस्बैंड नहीं इजाज़त देंगे कुछ, तो वो जो है वो उनको हस्बैंड्स को लेकर आती है हमारे पास. सो यू नो समटाइम्स जो है हम अपने इवेंट्स करते हैं तो हम कहते हैं कि आप एज अ कपल आए ताकि आपको पता चले कि चेंबर हाउ चेंबर इज़ फैसिलिटेटिंग यू नो न्यू बिजनेसेस. तो ये आपके पास बिल्कुल दुरुस्त है कि एक थॉट प्रोसेस को चेंज होना चाहिए. बेटी पैदा होती है तो बेटी के जो है ना वो सोना लेना शुरू कर देते हैं कि जी हम अब शादी करेंगे तो जो है ना वो क्या है कपड़े लेना शुरू कर देते हैं और जो है उसका जो है बर्तन लेना शुरू कर देते हैं जी, क्योंकि उसके दिमाग में आपने पहले ही डाल दिया कि वो सिर्फ एक बीवी बनेगी. आप मुझे शादी करने के लिए जी बिल्कुल पैदा शादी करने. और जो सक्सेस स्टोरी है वो है कि आपकी शादी हो गई तो आप सक्सेसफुल हो, आपकी शादी जैसे भी चल रही है, जूते खाओ मारे खाओ, लेकिन यू आर सक्सेसफुल. आपने अपनी ज़िंदगी में तीन इंपॉर्टेंट लेसन क्या ऐसे सीखे हैं, मतलब एक स्ट्रगल जारी बात है आपने भी बहुत ज़्यादा की यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेसन तो आपने भी सीखे होंगे, वो लेसन ज़रा एडवाइस करें कि मैं अगर स्टार्ट करना चाहूँ या कोई भी स्टार्ट करना चाहिए तो वो उस चीज़ से बच कर रहे या बच कर चले तो वो ज़्यादा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है या एक सक्सेसफुल लेडी बन सकती है. कौन सी ऐसी एडवाइस जो है वो आप मेरी व्यूअर्स को जो खासतौर पर ख़वातीन हैं देख रही हैं उन्हें देंगी? मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बैंक का है. तो 15 साल मैंने लंदन और दुबई में कॉर्पोरेट बैंकिंग की. तो इसके बाद मैंने अपनी फर्म्स शुरू की पाकिस्तान में चंद साल पहले. तो अच्छा ज़ाहिर है चेंबर को ज्वाइन किया और आज मैं प्रेसिडेंट हूँ चेंबर की. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि तीन चीज़ें जो मैं आपको जो आपने मुझे तीन चीज़ें कही, सबसे पहली बात तो ये है कि नेवर गिव अप. अगर आप किसी चीज़ को लेकर चले हैं तो उसको आप, क्योंकि आपको मसले तो आएंगे, मतलब किसी कोई भी सक्सेस स्टोरी उठा ले उसके सामने जो है ना इनकार हर जगह है, लेकिन जो है वो इनकार आपके पास भी आपके अपने अंदर भी एक इनकार है कि नहीं ये नहीं करते बस नहीं अब नहीं हो सकता,
बस अब तो कुछ इसका भी, इसमें तो कोई कुछ चाम नहीं रह गया, अच्छा लुबना इसमें कुछ नहीं। बाज़ुकात लोगों की बातें हमें इतना डीमोटिवेट कर देती हैं, मतलब अगर तुमने ये देखा है फलां की बेटी ये काम कर रही है, ठेला लगा रही है, तो वो जी चीज़ जब हम देखते हैं कि हमारे बड़ों के साथ इतनी हमारी इज्जत को एसोसिएट कर दिया जाता है और हमारी छोटी सी गलती को भी पकड़ कर इतना वो एक एजेंडा और इशू बनाया जाता है, तो अंदर से अंदर हम कहते हैं कि अब बस अब नहीं। नहीं, मैं वही बात उसी बात पे आ रही थी कि एक तो आपका जो है वो परसवेरेंस जी सबसे बड़ी बात, दूसरी चीज़ ये है कि एज लॉन्ग एज आपको, मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि माशरे में, मतलब आई थिंक दैट जो पर्सन आपके बिल्स पे कर रहा है, जी जो आपके घर में आपके रिश्तेदार है, जो जिस जिनको आपने जवाब देना है, ऑफ कोर्स यू नो जिसमें आपके वालिद वाले साहब हो साहब गए, उनका उनका भी अपना आपके ऊपर हक है, आपके हस्बैंड हो गए, आपके भाई हो गए, वो अगर जो उसके अलावा तो किसी और की जो है ना आपको जरूर परवाह ही नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल। क्या करना चाहिए, माशा जो है वो कब किसको छोड़ता है। लुबना, पाकिस्तान इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस क्या हैं, उनके थ्रेट्स का मेरे व्यूअर्स को बताइएगा, खवातीन को, कि अब मैं एंटरप्रेन्योर तो बन गई हूँ, मुझे बहुत शौक था अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, वो तो मैंने कर लिया है, मैं इंडस्ट्री में जाऊँगी तो क्या चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ेंगे, कैसे मैं अपने माइंड को पहले से ही रेडी कर लूँ ताकि मैं एकदम अगर फेस करूँ तो वो मुझे इतना इतना बड़ा चैलेंज ना लगे, और थ्रेट्स क्या हैं इंडस्ट्री के टू स्पेसिफिक टू वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप। थ्रेट्स इज रॉन्ग वर्ड, क्योंकि होता ये है कि आप गवर्नमेंट में देयर आर सफिशेंट लॉज जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं एज अच्छा, अ लॉ वुमन ऑफ मेकिंग द, भी है, ये जी लेजिस्लेशन बिल्कुल भी है। जी, लेजिस्लेशन इज इन प्लेस। ओके ओके तो ये है कि आपके पास एंटी हरासमेंट एक्ट है आपके पास, ओके और बहुत सारे गवर्नमेंट अब जो है वो आपको आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके लॉज जो है वो आप मुल्की लॉज वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं फाइन अपने वर्क प्लेस पे, तो वो तो मैं एक चीज़ तो वो एड्रेस हो गई। अगर एज लॉन्ग एज आपको अपने राइट्स का पता है, राइट्स का पता होना बहुत लाजमी है कि आपको पता हो कि ये चीज़ जो है ये मेरे राइट्स है, ये मेरे साइबर लॉज हैं, ये मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, ये मेरे एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉज है वो मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट जो है या फिर कोई जो है जैसे हमारे चेंबर्स है वो, या उनके पास ये फैसिलिटेशंस है, मैं इधर जा सकती हूँ और इसका मैं हेल्प ले सकती हूँ, या मैं अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकती हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो उनको पता होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो इंडस्ट्री के थ्रेट्स हैं वो, मैं नहीं कहूँगी कि इंडस्ट्री के थ्रेट्स हैं, वो तो ये है कि एक इकोनॉमी की एक सिचुएशन है वो सिचुएशन पूरी सी दुनिया में होती है, और वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे होती है और वो कैस्केड डाउन करती है, वो ये नहीं होता कि जी ये जो है ना ये औरत ट्रेडर है, ये मर्द ट्रेडर है, वो कंपनियां सारी जो है ना या तो वो पैसा बना रही होती है, वो नहीं बना रही होती, कुछ बना रही होती है कुछ नहीं बना रही होती है, तो ये तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इकोनॉमी इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, यस इंक्लूजन इन इकोनॉमी इज जेंडर स्पेसिफिक, जो कि हम कहते हैं कि खवातीन की मजीद इंक्लूजन होनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई भी एक एक या दो चेंजेस ऐसे कहूँ कि आप इकोनॉमी में चेंज कर दें या आप मार्केट में चेंज कर दें, तो क्या चेंज आप करेंगे जिससे जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा हो जाए? आपको क्या लगता है कि दिस 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 मेक हैपन, मैं अगर मैं ये कर लूँ तो भाई इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सकती है, फ्लरिश कर सकती है, आप मुझे बताइएगा कि आप क्या चेंज चाहती हैं? मैं चाहूँगी कि हम हमारे वालदेन अब जो हैं नई नस्ल जो है वो जो है ना वो एक दे शुड ओपन अप, दे शुड ओपन अप टू एम्पावरिंग दे डॉटर्स, कि वो जो है ना मतलब एक एक तबका है जो उनको बहुत ही लाड प्यार से प्याल कर पालता है, उसके बाद देख रहे होते हैं कि कहाँ के हमारे जितने पैसे हो तो उनकी शादी करें वहाँ पे वो लाड प्यार से जो है वो रहें, और एक तबका है जो कहता है कि नहीं, तो मेरा ख्याल है कि एक तबका वो कहता है कि नहीं जी इनको ये डिग्री मिल जाए और ये शादी, आई थिंक शादी इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, और शादियां गोरों की भी होती हैं, शादियां पूरी दुनिया में होती हैं, प्लीज़ डोंट मेक इट एज अ एज 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 कि जी ये जो शादी हो गई तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई, जहाँ अच्छी जगह शादी हो गई शादी होगी और फिर अच्छी तो जगह का सॉरी जो, मिस आ हाँ अच्छी जगह का जो गए क्राइटेरिया है वो पैसा है, पैसा है बिल्कुल विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाह वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या वो इकॉनमी हो या वो माशरे में खवातीन की जो जो मतलब जो एम्पावरमेंट है वो तभी आएगी जब हम सब लोग इस चीज़ पे मुत्तफिक हो जाएंगे कि फाइनेंशियल जो है वो पावर जो है वो बच्चों के लिए वो एम्पावरमेंट है।
तो जब उनके पास पैसा है तो वो एम्पावर्ड हैं, वो अपने लिए भी अच्छा कर सकती हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी अच्छा कर सकती हैं, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा कर सकती हैं, अपने खावन के लिए भी अच्छा कर सकती हैं, कोई आइडियाज़ लेके आ सकती हैं. तो आई थिंक कि जो बच्चियाँ, जो ख़वातीन आइडल बैठी हैं घरों में, तो वो भी ये चाहें कि मतलब अपने अपने घर के माहौल को डिस्टर्ब किए बगैर. ये हमारी जो सीनियर्स हैं, हमारी फाउंडर्स हैं, जिनका ये थॉट ब्रेन चाइल्ड है, दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस. हमारा जो मैनिफेस्टो है, अपने घर को डिस्टर्ब किए बगैर आप जो हैं फाइनेंशियली एम्पावर हो. बहुत शुक्रिया लुबना आपका, इतना आपने कीमती टाइम दिया मुझे, बहुत थैंक यू. लुबना की बातें सुनकर आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि आप अगर छोटे से लेवल से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं. वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो बिल्कुल आपकी शाना बशाना चलेगी, आपके साथ खड़ी हुई है. और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी होस्ट शिमशा आवान, टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम विद द नेक्स्ट गेस्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.